नमस्कार, मैं हूं सचिन शर्मा और आज मैं आपको सुना रहा हूं सारंगी के महान कलाकार पंडित रामनारायण की कहानी। 1930 के दशक में उदयपुर के पास बसे एक गांव में एक संगीतकारों का परिवार रहता था। इसी परिवार में जन्मे पंडित रामनारायण जी। घर में अलग अलग संगीत के यंत्र पड़े रहते थे, लेकिन वहां पर एक कोने में एक ऐसा यंत्र था जिसे कभी कोई नहीं बजाता। तो एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि ये यंत्र क्या है, तो पिता ने बड़े प्यार से उसका जवाब दिया कि ये यंत्र सारंगी। उस वाद्य यंत्र की कहानी भी बच्चे को पता चली। पता चला कि उसके जन्म से पहले एक साधु महाराज घर आया करते थे। वो जब कभी घर आते थे, इसी साज को बजाकर गाते थे। एक बार वो अपना साज यहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद जाने क्या हुआ, वो कभी अपना साज लेने वापस नहीं आए। ये शायद नियति ही थी कि उस 5 बरस के बच्चे का दिल उस सारंगी पर आ गया। इसके बाद की सारी कहानी अब इतिहास बन चुकी है। सारी दुनिया अब इस बच्चे को पंडित रामनारायण के नाम से जानती है। पंडित रामनारायण का जन्म 25 दिसंबर 1927 को हुआ था। 5 बरस की उम्र से ही सारंगी का जुनून ऐसा चढ़ा कि थोड़ा बड़े होने पर पंडित रामनारायण ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। कहते हैं कि एक बार वो जब स्कूल गए तो उन्हें ठीक ठीक समझ में आ गया कि पढ़ाई के साथ उनका रिश्ता ज्यादा लंबे तक नहीं चलेगा, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि संगीत के साथ उनका रिश्ता हमेशा रहेगा। फिर क्या था, उनकी संगीत की परंपरागत शिक्षा शुरू हो गई। परिवार में सदियों से संगीत की परंपरा चली आ रही थी। पिताजी से सीखा, फिर गुरु उदयलाल जी के पास सीखा, फिर महादेव प्रसाद और किराना घराने के अब्दुल वहीद खान से भी संगीत की बारीकियां उन्होंने सीखीं। हुनर देकर ऊपर वाले ने भेजा ही था और बड़े कलाकारों की शोभत मिली, जिसका असर ये हुआ कि 14 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पंडित रामनारायण को ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर सेंटर में नौकरी मिल गई। कहते हैं कि बिना संघर्ष किए कलाकार कैसे। पंडित रामनारायण जी के जीवन में भी एक संघर्ष था कि किस तरीके से सारंगी को उसकी पहचान दिलाई जाए। ये वो दौर था जब सारंगी बजती तो थी, लेकिन लोग उसे संगत का वाद्य यंत्र ही मानते थे। पंडित रामनारायण को शुरुआती कार्यक्रमों में इस संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1947 में बंटवारे के बाद वो हिंदुस्तान चले आए, दिल्ली में रहे, मुंबई गए। 1956 में पंडित रामनारायण ने बॉम्बे के एक संगीत समारोह में पहली बार सारंगी की सोलो परफॉर्मेंस दी। साथ साथ उस्ताद अमीर खान, गंगूबाई हंगल, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, केसरबाई, बड़े गुलाम अली खां के साथ उन्होंने सारंगी पर संगत की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उस्ताद विलायत खां जी के साथ उनका रिकॉर्ड आया और रिकॉर्ड के आते ही संगीत की दुनिया में उनकी सारंगी ने अपनी साख बढ़ा दी। क्योंकि पंडित रामनारायण जी मुंबई के रहने वाले थे, तो इसीलिए फिल्मी दुनिया में भी उनकी सारंगी की गूंज पहुंच चुकी थी। संगीतकार ओपी नैयर ने कई फिल्मों में उनसे सारंगी बजवाई। फिल्म कश्मीर की कली, मुगले आजम, मधुमती, मिलन जैसी फिल्मों में पंडित रामनारायण की सारंगी के सुर बिखरे। फिर वो समय भी आया जब यहूदी मिनुहिन जैसे महान कलाकार ने कहा कि पंडित रामनारायण ही सारंगी की पहचान है। पंडित रामनारायण अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपनी पत्नी को देते हैं। उनकी पत्नी की मौत के बाद पंडित रामनारायण जी बहुत अकेले हो गए, लेकिन इस वक्त में भी सारंगी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये उनकी लगन, उनकी काबिलियत और साधना का ही नतीजा है कि आज लोगों को समझ में आ गया है कि सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें सुख है, दुख है, खुशियां हैं, दया है, जीवन के तमाम रंग समेटती है सारंगी। कुछ बरस पहले तक अपने कार्यक्रमों से उन्हें जो रकम मिलती थी, उस पैसे से वो नए नए कलाकारों की मदद किया करते थे। भारत सरकार ने 1991 में पंडित रामनारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके बाद 2005 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नमस्ते, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रागिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।